नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI वेरिएंट, 2022 का वेरिएंट है भाई ये। आज हम बात करेंगे कि 2022 में कंपनी क्या कुछ फीचर देती है VXI वेरिएंट में। ये पेट्रोल वेरिएंट है भाई, जो CNG में आती है अर्टिगा VXI, उसका मैंने वीडियो पहले बनाया था, उसका मैं लिंक आई बटन पे छोड़ दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं उसमें क्या कुछ मिलता है। इसमें जो फ्रंट की बात करूँ मैं, फ्रंट इसमें सारा कुछ सेम मिलेगा, सेम ग्रिल मिलेगी। ये वाला पार्ट है वो ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाएगा, बीच में सुजुकी का लोगो मिलेगा, नीचे की तरफ ब्लैक रफ प्लास्टिक मिलेगा, नीचे वाली जो ग्रिल है उसमें, यहाँ पे आपको फोग लैंप वगैरह इसमें नहीं मिलता, ना यहाँ पे आपको कोई क्रोम मिलेगा। अब इसके हेडलैम्प यूनिट की बात करूँ तो आपको हेलोजन मिलेगा, यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिलेगा इंडिकेटर के लिए, यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिलेगा, ये भी आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा। इसमें आपको ये एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस मिल जाएगा। इसमें ऊपर छोटा सा बल्ब दिया गया है पार्किंग के लिए। अगर साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड में इसमें आपको ब्लैक कलर के स्टील रिम मिलेंगे। इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा 185/65R15 का इसका टायर मिलेगा आपको, यानी कि जो इसका रिम है, रिम का साइज़ आपको 15 इंच मिलेगा, और टायर प्रोफाइल है वो 185/65 की इसकी टायर प्रोफाइल मिल जाएगी। ब्रिजस्टोन के इसमें आपको टायर मिलेंगे, आगे आपको इसमें डिस्क मिल जाएंगे, पीछे आपको ड्रम मिलेंगे। और बात करूँ तो भाई साइड में यहाँ पे आपको ORVM मिलेंगे, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलेंगे, अंदर से ही हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे इस पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक ब्लैक हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, जो ए पिलर है वो आपको बॉडी कलर मिलेगा, बी पिलर इसको ब्लैक टेप के साथ मिलेगा, और जो सी पिलर है वो मिल जाएगा ब्लैक प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे आपको एक क्वार्टर ग्लास मिलेगा, यहाँ पे जो इसका क्वार्टर ग्लास है वो पीछे वाले ग्लास में आके मर्ज हो जाता है, तो छत थोड़ी सी जो इसका बॉडी है उससे कटी हुई दिखाई देती है जब दूर से देखते हैं, क्योंकि ये बीच में ब्लैक पार्ट आ गया। अब इसके डोर हैंडल की बात करूँ, बॉडी कलर मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा की होल है। ये हो गया भाई साइड प्रोफाइल इसकी। अब बात करूँ इसके रियर की, तो रियर भाई इसमें सारा कुछ आपको सेम मिलेगा जो VXI CNG में मिलता था, सेम आपको टेल लाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको LED मिल जाएगा, ये भी LED मिलेगा, ये आपको हेलोजन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की इसमें बैज मिल जाएगा, यहाँ पे कोई क्रोम नहीं मिलेगा ZXI में, यहाँ पे आपको क्रोम मिलेगा, यहाँ पे कोई डिफोगर वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे छोटा सा आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा इसमें, इसमें आपको ऊपर कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको अर्टिगा लिखा मिलेगा, नीचे की तरफ यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह इसमें नहीं मिलता। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है, इसको प्रेस करके हम इसका बूट ओपन कर सकते हैं। अगर इसके बम्पर की बात करूँ तो बम्पर के ऊपर ही आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और बम्पर के ऊपर ही आपको इसमें 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। ये हो गया इसका रियर का लुक। अब बात करूँ इसके साइड प्रोफाइल की, को पैसेंजर साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, वो है इसका फ्यूल फिलर कैप, बाकी और सारा कुछ सेम मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई की होल वगैरह इसमें नहीं मिलता। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या कुछ दिया गया है वो देखते हैं। ये है भाई इसका इंटीरियर, इसमें आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रे कलर का यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा जो प्लास्टिक है वो, नीचे आपको इसमें बीच कलर का प्लास्टिक मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है आपको लाइट कलर में मिलेगा, पूरा आपको सेम सिंगल कलर मिलेगा, बीच में एक पट्टी दी गई है थोड़ा सा डार्क कलर की। यहाँ पे क्रोम के साथ आपको इसका डोर हैंडल मिलेगा, ये पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो आपको ऑटो अप ऑटो डाउन मिलेगा, यानी कि सिंगल टच अप और सिंगल टच डाउन मिलेगा। यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलेगा, ORVM के लिए कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, ORVM इसके यहाँ से हम फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, ये वाला बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलेगा पेपर वगैरह के लिए, फाइल के लिए, यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा, और इसमें आपको ट्विटर वगैरह कुछ नहीं मिलता। अगर इसकी ड्राइवर साइड की सीट की बात करूँ, इसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, और जो इसकी सीट है वो आपको फैब्रिक के साथ मिलेगी, सीट के ऊपर भी लाइट कलर का फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ये इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप फैब्रिक का। अब चलते हैं भाई अंदर, ब्लोअर की स्पीड करता हूँ थोड़ा कम, क्योंकि गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा तप गई थी, इसलिए मैंने इसके चारों विंडो खोल गए और ये ब्लोअर ऑन करके छोड़ दिया था, AC ऑन नहीं किया था, ब्लोअर ऑन किया था, उससे थोड़ी इसकी जो अंदर की हीट है वो बाहर निकल गई, अब बैठने लायक हो गई गाड़ी। अगर इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो ऊपर इसमें ग्रे कलर का ये प्लास्टिक दिया गया है, इसका टेक्सचर दिखाऊँ मैं आपको तो इस टेक्सचर में मिलेगा, जो यह लाइट कलर नीचे दिया गया है ये भी आपको सेम टेक्सचर में मिलेगा, लेकिन इसका कलर चेंज मिलेगा आपको, नीचे लाइट मिलेगा ऊपर ये डार्क मिल जाएगा। और भाई ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, सॉफ्ट इसमें कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, बीच में इसी के वेंट मिलेंगे, ये ब्लैक कलर का पार्ट दिया गया है, और ये इस टाइप का डिज़ाइन मिलता है इसमें अर्टिगा में, सेम डिज़ाइन मिलता है सब में। और भाई यहाँ पे
ये थोड़ा अलग मिलेगा जेड एक्साइज से। जो वी एक्साइज सी एन जी है उसमें तो सेम मिलता है, लेकिन जेड एक्साइज में थोड़ा अलग टेक्सचर मिलता है ये। और भाई यहाँ पे अगर इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको सिंपल म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा। ये वॉल्यूम के लिए यहाँ पे टच इसमें बटन मिलेंगे, ये ट्रैक ट्यून के लिए यहाँ पे टच बटन मिल जाएंगे, बीच में छोटा सा इसमें डिस्प्ले मिलेगा, ये ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन मिलेगा, सब कुछ इसमें टच मिलेगा। ये टच इसमें कुछ शॉर्टकट मिलेंगे। अगर इसकी हम लाइट वगैरह जलाएंगे रात में जब देखते हैं तो यहाँ पे इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है, वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्स यूएसबी और इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। और यहाँ पे अगर थोड़ा और नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हजार्ड लाइट का स्विच। इसमें आपको मिल जाएगा मैनुअल एसी, ये सारे एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यूएसबी और ऑक्स के लिए यहाँ पे ये दिए गए हैं आपको पोर्ट। यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ये इसके ग्लव बॉक्स दिए गए हैं कूल्ड, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे रख के हम अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसको ठंडा कर सकते हैं। जो टेक्सचर यहाँ पे मिलता है सेम टेक्सचर आपको यहाँ गियर लीवर के ऊपर भी मिलेगा, ऊपर आपको ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा। ये इसका हैंड ब्रेक मिलेगा मैनुअल, पीछे के लिए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। ये वाला जो डोर दिया गया है ये भी सेम थीम पे मिलेगा, सेम सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अब बात करूँ इसके ग्लोव बॉक्स की, तो छोटा सा इसमें ग्लोव बॉक्स दिया जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता। यहाँ पे बात करूँ तो इसमें मैनुअल इसका IRVM मिलेगा डे नाइट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे इसकी कैबिन लाइट मिलेगी येलो कलर की, ये दो मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पे आपको माइक, यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिलेगा, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे बात करो तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा इस तरफ, डी कट इसमें स्टीयरिंग मिलेगा आपको। यहाँ पे सॉफ्ट रबड़ का यूज़ किया गया है। और भाई यहाँ पे आपको जो कंट्रोल मिलेंगे म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड, क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलता। टेलीफोनिक बटन इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो वाइपर है उससे रिलेटेड नॉब, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलैम्प से रिलेटेड नॉब। ये है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो हाइब्रिड गाड़ी है मारुति की उनमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो सेम मिलता है CNG में भी और हाइब्रिड में भी, लेकिन जो CNG है उसमें ये अलग मिलता है थोड़ा सा, लेकिन जो हाइब्रिड है उसमें ये ब्लू कलर का मिलेगा। थोड़ा पास से दिखा दूँ आपको, ये देखो जो इसका इंटरफेस है ना अंदर का, वो आपको ब्लू मिलेगा जो हाइब्रिड गाड़ी है उनमें। यहाँ पे आपको ये MID है जो इसमें दिखाएगा, इंजन मोटर बैटरी की यहाँ पे ये चीज़ें दिखाएगा। इससे हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो इसका इंफॉर्मेशन जो इसमें MID में मिलती है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जैसे एवरेज वगैरह, ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारी चीज़ें इसमें ये दिखाएगा। सारा कुछ सेम मिलता है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। जो बाकी गाड़ी हैं मारुति की सब में सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, किसी में कोई चेंज नहीं है। यहाँ से आपको ट्रिप वगैरह दिखाएगा, ऑडोमीटर ए ट्रिप है बी ट्रिप है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा देगा। यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे टेम्परेचर के लिए मिलेगा छोटा सा मीटर, ये मिल जाएगा आपको RPM मीटर। यहाँ पे मिल जाएगा स्पीड के लिए, ये मिल जाएगा फ्यूल के लिए। ये हो गया भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब चलते हैं भाई पीछे, पीछे जाने से पहले यहाँ और दिखा दूँ आपको। आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए ये बटन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, ये मिल जाएगा हेडलाइट लेवलर। बाकी एक बार की और दिखा दूँ मैं आपको इसकी, ये इसमें दो रिमोट की मिलेंगी, सिंपल इसमें रिमोट की मिलती हैं जैसी VXI में हर एक मॉडल में मिलती है मारुति के। अब चलते हैं भाई पीछे, पीछे क्या कुछ मिलेगा। स्पेस वगैरह तो सारा कुछ सेम है, बस मैं फीचर ही दिखाऊंगा। ये है भाई पीछे वाला इसका डोर, सिंगल कलर में मिलेगा, पूरे में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। लाइट कलर का इसका डोर पैनल मिलेगा आपको। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल है, ये डोर हैंडल क्रोम के साथ है। नीचे एक लीटर की बोतल के लिए स्पेस है, फाइल यहाँ पे रख सकते हैं आप, इतना स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाएगा। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा दिया जाता है अर्टिगा में। तो पीछे वाली सीट है उसका फैब्रिक भी लाइट कलर में ही मिलेगा, 60-40 सीट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एडजस्टेबल आपको इसके हेडरेस्ट मिलेंगे, आगे वाले जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिलेंगे, पीछे वाले भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। आगे वाली सीट है भाई वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने काफ़ी पीछे कर रखा था उसको, लेकिन फिर भी आप इसमें स्पेस देख सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है जो ये वाली सीटें हैं वो हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए आगे बीच वाली सीट पे और पीछे वाली सीट पे हम अपना स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। जो इसकी थर्ड रो है उसके लिए आपको एसी के वेंट यहीं मिलेंगे, पीछे आपको एसी के वेंट नहीं मिलते, पीछे कोई कप होल्डर वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बस ये हो गया भाई पीछे का पूरा ताम झाम, और तो कुछ है नहीं इतना कुछ बताने को। ग्रैब हैंडल है इसमें, यहाँ पे ये फोल्डेबल मिल जाएंगे, पीछे के लिए ये कैबिन लाइट मिलेगी। अब यहीं से दिखा दूँ आपको इसका स्पेस पीछे क्या, कितना कुछ क्या स्पेस मिलता है। जो VXI CNG या ZXI में मिलती हैं सेम वैसी सीट मिलेंगी आपको, दो सीट बेल्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, एडजस्टेबल इसके हेडरेस्ट मिलेंगे।
पीछे भी आपको दोनों तरफ यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे VXI में चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता, ZXI में मिलता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे सबके लिए अलग अलग मिलेंगे। और भाई यहाँ पे भूल गया था मैं बताना, इसमें आर्म रेस्ट भी मिलता है जो बीच वाली सीट है उसमें, लेकिन इसमें आपको कोई कप होल्डर वगैरह नहीं मिलता। तीन सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा। आइसोफिक्स सीट के लिए आपको दोनों तरफ हुक मिल जाएंगे। ये है भाई अर्टिगा का VXI वेरियंट स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें क्या कुछ फीचर मिलते हैं वो सारा कुछ मैंने बता दिया। मैं एक बार आपको इसका इंजन बे भी दिखा देता हूँ खोल के, कैसा कुछ क्या इंजन का सेटअप है इसका। यहाँ से इसका इंजन बे ओपन होगा। इसमें 1500 सीसी का आपको इंजन मिल जाएगा। ये लगभग आपको 102 bhp की पावर देगा और 136 नैनोमीटर का टॉर्क देगा। इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिलती है CNG का जो इंजन है उसके मुकाबले। इंजन तो सेम है लेकिन ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, इसमें थोड़ी सी इसमें पावर ज़्यादा मिल जाती है। और ये पेट्रोल पे चलती है तो इसलिए भी इसमें थोड़ी पावर ज़्यादा है। CNG पे जब गाड़ी चलती है तो उसमें पावर थोड़ी कम हो जाती है। अगर इसकी माइलेज की बात करूं तो इसमें आपको 20 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इसमें 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलता है। ये था भाई अर्टिगा का VXI वेरियंट स्मार्ट हाइब्रिड के साथ। आपको CNG वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी या फिर ये जो पेट्रोल वाली गाड़ी है स्मार्ट हाइब्रिड के साथ वो आपको ज़्यादा बेटर लगी? अगर मैं इसके ऑन रोड कीमत की बात करूँ तो ये आपको 11 लाख के करीब पड़ेगी। CNG वाली इससे थोड़ी महंगी पड़ेगी VXI में। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। धन्यवाद।